नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मानवी शर्मा। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता चंद्रशेखर की। जी हाँ, आज इन्हें देश के लोग नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में आ चुके हैं। तो हमारे रिपोर्टर मनोज पिप्पल इनसे मिलने के लिए सहारनपुर गए हैं। आइए देखते हैं उनकी आगे की रिपोर्ट। चंद्रशेखर जी, अभी हाल ही की बात की जाए तो भीम आर्मी को हम जितने टाइम से देख रहे हैं, जितने टाइम से इसको जान रहे हैं, तो आज एक युवाओं की पहचान, एक युवाओं का संगठन बन चुका है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ मैं देखता हूँ, जब लोग मेरे पास मिलने के लिए आ रहे हैं और जो मैं मीडिया से भी कहता हूँ, तो मैं वो कहता हूँ जो, क्योंकि मैं आज चेहरा भीम आर्मी का हूँ, तो भीम आर्मी के जो पूरे देश में जो लोग काम करें, जो मुझसे वो भेजते हैं कि भैया ये बात अपने आप को रखनी है मीडिया में, ये पक्ष है हमारा, क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत बात करूंगा तो विरोध होगा जी। तो लेकिन लोग जो बोल रहे हैं, भीम आर्मी जो बोल रही है, वो मैं बोल रहा हूँ, उसमें स्पष्ट ये कि वो भीम आर्मी को उन्होंने सम्मान बना लिया है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई होगी, अधिकारों की लड़ाई होगी, तो उनका जितना प्रेम है, जैसे वो अपने एक व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है, अपनी बेटी से, अपने बच्चे से, अपनी माँ से, इस तरह से वो लोग भीम आर्मी से प्रेम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बल मिल रहा है हमें कि वो बिल्कुल, क्योंकि उनका संगठन है, तो वो इससे बड़े प्रेरित हो रहे हैं कि भाई संघर्ष है।